दोस्तों, किसी भी पोर्ट्रेट को ड्रॉ करने के लिए आपको सबसे पहले हमें अपने रेफरेंस की जो आंखें हैं ये देखना होगा कि कितने बॉक्स पर आ रही हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारा 8 बॉक्स पर आ रही है। तो हम काउंट करेंगे लेफ्ट से राइट की तरफ को, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारा 8 बॉक्स पर हमारी आंखें आएंगी लेफ्ट से राइट की तरफ को। और अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ को काउंट करें, 1 2 3 4 5, हमारी 5 बॉक्स पर आंखें आ रही हैं। तो हम ऊपर से नीचे की तरफ को भी काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, हमारे 5 बॉक्स पर आंखें आ रही हैं। तो 8 बॉक्स ये हो गया और ऊपर से नीचे की तरफ को 5 इधर हो गया। तो हम यहाँ पर टिक लगा लेंगे। अब दोस्तों, हम इसे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले ड्रॉ करने के लिए को पेंसिल को कुछ इतना दूरी से पकड़ना है ताकि आप अच्छे से लाइट लाइट ड्रॉ कर पाओ। आपको कुछ इस तरह से लाइट लाइट अपने हैंड को मूव करना है। अब जितना लाइट लाइट ड्रॉ करोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए, आपकी पेंसिल जो है इस तरह से चलनी चाहिए, इतनी लाइट लाइट चलनी चाहिए। आपको एक एक बॉक्स के अकॉर्डिंग ड्रॉ करते जाना है। देखिए, आपको कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेना है जैसे मैंने ड्रॉ किया है, आपको सेम इसी तरह से ड्रॉ करना है। काफी ज्यादा इजी टेक्निक्स है दोस्तों। हमने इनकी आंखें तो ड्रॉ कर ली है दोस्तों, अब हम इनकी नोज ड्रॉ करेंगे। और जो इनकी नोज है वो इन 4 बॉक्स में आ रही है, ये जो 4 बॉक्स हैं। अब इसमें कैसे ड्रॉ कर सकते हैं हम, देखिए यहाँ तक हमारी नोज है तो यहाँ तक हम इस तरह से मेजर कर लेंगे अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग। देन इसके बाद हम यहाँ पर एक इस तरह से लाइनिंग खींच लेंगे और इधर की तरफ भी इतने पोर्शन हैं तो इस तरह से लाइनिंग खींच लेंगे। अब हम इस तरह से एक सर्कल बनाएंगे, देखिए कुछ इस तरह से सर्कल बनाना है। और एक सर्कल हमें यहाँ पर बनाना है, दूसरा सर्कल हमें इधर बनाना है। ये बनाने के बाद हमें इस तरह से ड्रॉ करनी है नोज, अपने रेफरेंस को देखते रहना है और इस तरह से नोज ड्रॉ करनी है। देखिए, ये तो इधर का पोर्शन हो गया। इस तरह से आपको नोज ड्रॉ कर लेनी है। और इसी के साथ साथ मैं जो इसमें शेडो आ रही है इस शेडो को भी इस तरह से ड्रॉ कर लूंगा। और ये जो शेडो होगी ना, इस नोज की शेप में ही होगी। अब हम इनके लिप्स ड्रॉ करेंगे। और इनके लिप्स ड्रॉ करने के लिए हमें इसी तरह से मेजरमेंट करना है। इन दो बॉक्स में हमारे लिप्स आएंगे और इसी बॉक्स के अकॉर्डिंग मेजरमेंट करके इन्हें ड्रॉ करेंगे। देखिए, ये जो लाइन है इसको ड्रॉ करने के लिए हम इस तरह से पहले एक मार्जिन कर लेंगे। देन इसके बाद हम यहाँ से ड्रॉइंग स्टार्ट करते हैं इस तरह से। अब हम नीचे के एरिया ड्रॉ करेंगे। नीचे के एरिया यहाँ तक आ रहा है दोस्तों इतने पोर्शन में, तो हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे। देखिए, चाहो तो आप एक सर्कल भी बना सकते हो इस तरह से और एक सर्कल इधर भी बना सकते हो। आप मेजर करके इसे अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो। अब हम इनके फेस की जो आउटर लाइन है उसको ड्रॉ करेंगे, जैसे कि ये वाली लाइनिंग है और इधर वाली लाइनिंग है। जैसे कि ये वाला बॉक्स है, इधर को ये लाइनिंग जा रही है, तो एक एक बॉक्स के अकॉर्डिंग आपको ड्रॉ करना है। जैसे कि इधर से लाइनिंग जा रही है तो मैं इसको कुछ इस तरह से ड्रॉ करूँगा, आपको भी इसी तरह से ड्रॉ करना है। सेम इधर भी आपको इसी तरह से ड्रॉ करना है। बट दोस्तों, जो इनका कुछ पार्ट है ड्राइंग का वो शेडो में हाइड है, छिपा हुआ है, जैसे कि ये वाला पार्ट है, तो आपको उसे अपने मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग उसको ड्रॉ कर लेना है।
इतना पार्ट ड्रॉ हो चुका है, अब हम इनके हेयर्स बनाएंगे। और जैसे कि आप इसमें ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, वैसे तो इसमें चारों तरफ थोड़ा डार्क ब्लैक है, बट दोस्तों मैं अपने अकॉर्डिंग इसमें हेयर्स बना रहा हूँ। बट दोस्तों इधर की जो लाइनिंग है ये दिख रही है, तो मैं इसी के अकॉर्डिंग इन हेयर्स को ड्रॉ करूँगा। जैसे कि इनके हेयर्स की लाइन इधर से इधर की तरफ को जा रही है, तो हम इसे कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे, इस तरह से। अब इसी के साथ साथ जो इधर के हेयर्स का फ्लो है, ये जो लाइनिंग इधर को जा रही है, इसको भी हम इसी तरह से ड्रॉ कर लेंगे। अब इसी के अकॉर्डिंग हम हेयर्स ड्रॉ करेंगे। हम इनके हेयर्स ऊपर से इस तरह से नीचे की तरफ को इस तरह से ड्रॉ करेंगे। हम इधर साइड के ऊपर से नीचे को इस तरह से ड्रॉ करेंगे। अब हम इनके जो ज्वेलरी वगैरह हैं, इनको ड्रॉ करेंगे अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग। अब दोस्तों जो इनके गर्दन के पास की ज्वेलरी है, हम इसको ड्रॉ करेंगे। इसे भी सेम आपको इसी तरह से ड्रॉ करना है। पहले आपको इस तरह से जूम करना है, देन आपको अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग ड्रॉ करते जाना है। फाइनली हमारा जो ड्राइंग है ये कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हो कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है।